बच्चों क्या हाल चाल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें कह रहा है इफ कॉसेक ए इक्वल टू फाइंड, अगर कह रहा है कि यदि अगर कॉसेक ए कितना दे रखा है हमको, 2 दे रखा है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 ए प्लस साइन ए अपान का 1+cos ए। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको कॉसेक ए की वैल्यू हमको दे रखी है। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए आपको वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दो किसी भी नंबर के अपान में 1 करते हैं तो इस नंबर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा कॉसेक ए होता क्या है, कॉसेक ए साइन का अपोजिट होता है, तो एच अपान का पी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, इधर अगर हम ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो आपका ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और हमको कॉसेक ए लेना है, ठीक है, तो कॉसेक ए में हम ये वाला एंगल ए मान लें, इसको हम बी मान लें, तो ये आपका सी आ जाएगा। अब देखो कॉसेक आपका क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल लोगे, ठीक है, ये वाला एंगल हम ए लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने की वजह क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये आपका बेस आ जाएगा, बेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा ये, अब अगर कंपेयर करोगे तो एच कितना आपका आ जाएगा, ये ए सी आ जाएगा, और पी कितना आ जाएगा आपका, ये बी सी आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और बी सी कितना आ जाएगा, बी सी यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको, हमको ए सी पता है, बी सी पता है, और हमको ए बी निकालना है। क्यों, क्योंकि टैन में क्या होता है, पी अपान का बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपान का बेस होता है। देखो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर हमको अगर हमको ए बी चाहिए, तो आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम क्या करते हैं कि 2 हमको साइड्स पता हो और हमको तीसरी निकालनी हो, अगर हमको 2 साइड्स पता हो और हमको तीसरी तीसरी साइड निकालनी हो, तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर इस ट्रायंगल में देखो तो हाइपोटेनस आपको क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है, और पी क्या आ जाएगा आपका, मतलब परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा बी सी आ जाएगा, बेस कितना आपका आ जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए सी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे पूरा पूरा, क्योंकि ए सी का स्क्वायर है। अब बी सी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही ए बी की निकालनी वैल्यू है, ए बी कितना आ जाएगा, ये ए बी की निकालनी, तो ये ए बी का स्क्वायर रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो हमको ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो जब का ये 1 है ना, 1 जो आपका ये दूसरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ये कितना आपका रहेगा, ये ए बी स्क्वायर ही रहेगा। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 1 करोगे इतना 3 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है कि जब किसी साइड से स्क्वायर जाता है तो अपोजिट साइड पे क्या जाता है, अंडर रूट मतलब आ जाता है, अगर हटाते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 आ जाएगी। तुमको यहाँ पर ए बी भी मालूम हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट यहाँ पर कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब देखो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है 1/10 a प्लस का ये हो जाएगा साइन ए अपान का 1+ का हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा। अब देखो थोड़ा आसान करने के लिए आप क्या करो, 1/10 a को हम कॉट ले सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स फॉर्मूला बोलते हैं। होता क्या है कि टेन ए अपान का क्या होता है, 1/cot a होता है, ये इनवर्स सारे फॉर्मूले होते हैं। साइन ए पर क्या हो जाएगा, 1/cos a के आ जाएगा, ठीक है, और टेन ए आपको क्या आ जाएगा, 1/cot a आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/10 a को हम चेंज करके लिखेंगे, cot a लिख सकते हैं, प्लस कर कितना आ जाएगा, ये साइन ए आ जाएगा, और 1+cos a, ये आपका ऐसे रहेगा। अब देखो अगर हम cot a की निकालते हैं वैल्यू, तो cot a आपका क्या होता है, cot a आपका होता है टेन, टेन का उल्टा होता है, तो टेन आपका क्या होता है, पी अपान का बी होता है, मतलब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान का बेस होता है। तो
कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपान का परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो बेस कितना यहाँ पर आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ये कॉट कितना आपका, ये बेस कितना, ये बी सी आ जाएगा, इसे क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, साइन आपका क्या होता है, साइन आपका पी अपान का एच होता है, तो कितना आ जाएगा, बी सी, बी सी अपान का ए सी आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, वन प्लस। अब कॉस क्या आ जाएगा, कॉस आपका होता है बेस अपान का हाइपोटेनस होता है, बेस कितना आपका आ जाएगा, ए बी, और अपान में कितना जाएगा, ये ए सी आ जाएगा। अब देखो ए बी की वैल्यू अगर हम यहाँ क्या कर दें, एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दें अगर, ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमको दे रखी है अंडर रूट थ्री दे रखी है, और बी सी हमको वन दे रखा, तो मतलब वन ही ऐसे रहेगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, बी सी की वैल्यू हमको दे रखी है वन दे रखा है, और ए सी की वैल्यू हमको दे रखी है टू दे रखा है, अपान में कितना आ जाएगा, वन प्लस। अब ए बी की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री आ जाएगी, और ए सी की वैल्यू हमको टू दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका ये रूट थ्री ऐसे रहेगा, ठीक है। प्लस में देखो, अब देखो यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, तो टू का मल्टीप्लाई जब वन से करोगे तो ऊपर आपका ये वन बाई टू ऐसे रहेगा, अपान में कितना आ जाएगा, जब टू का मल्टीप्लाई वन से करोगे कितना आ जाएगा, टू प्लस का अंडर रूट थ्री, और अपान का ये टू आ जाएगा, और ये टू से टू आपका कट जाएगा, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर, अंडर रूट थ्री प्लस का वन अपान का टू, अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा, हमें कितना मिलेगा, हमें यही मिलेगा। अब देखो इतने पर आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहते हो तो क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कहीं भी आपका ए प्लस बी लिखा है, तो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी आ जाएगा। तो देखो टू प्लस का अंडर रूट थ्री, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, टू माइनस का अंडर रूट थ्री, अपान में क्या आ जाएगा, टू माइनस का अंडर रूट, ये आपका थ्री आ जाएगा। ये कितना आपका रहेगा, ये आपका रूट थ्री रहेगा, और प्लस कितना आ जाएगा, अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा, टू माइनस का अंडर रूट थ्री ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आपका पूरा पूरा ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये आपका अंडर रूट थ्री आपका ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस लगा लो, यहाँ टू माइनस का अंडर रूट थ्री, अपन देखो टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो कितना बचेगा, वन बचेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट थ्री आपका आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, ये टू माइनस का रूट थ्री रहेगा। अब देखो फोर में से थ्री जाएगा तो आपका वन बचेगा, तो आपका ये वन ही रहेगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री से ही रूट थ्री, ये देखो प्लस का रूट थ्री, ये माइनस रूट थ्री आपस में कट जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, टू आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।